हमारे अनिल जी गुप्ता जी से चर्चा करने जा रहे हैं और अनिल जी गुप्ता एक बहुत अच्छे विचारक है, समाज सुधारक है और समाज का काफ़ी अच्छा अनुभव है। तो अनिल जी इस बारे में बताएं कि एक आज की परिस्थितियों में जब बायोडेटा फोटो और ये सब चल रहा है, हजारों बायोडेटा मिल जाते हैं, फोटो मिल जाते हैं, तब भी सामाजिक संबंध चुनौती बन गए और जब परिचय सम्मेलन होते तब बच्चे उपस्थित नहीं होते, पेरेंट्स बोलते थे कि हमारे को आ जान दो हम देख लें, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए और पेरेंट्स की भूमिका क्या होना चाहिए? देखिए आज विवाद धीरे धीरे समस्या बनता जा रहा है। समस्या इसलिए बन रहा है कि लड़का लड़की अलग नौकरी कर रहे हैं जगह जाके जाके, तो माता पिता अपने अलग रह रहे हैं, अपनी जगह पर रह रहे हैं, तो लड़का लड़की जब तक परिचय सम्मेलन में आएंगे नहीं तब तक बात नहीं बनेगी। दूसरी बात ये कि अभिभावक विवाह योग्य लड़के लड़कियाँ अगर दोनों एक साथ रहेंगे, दोनों पॉजिटिव सोच लेके जाएंगे तो सम्मेलन सफल भी होंगे। नहीं पर सम्मेलन में अच्छे बच्चे नहीं आते, ये एक प्रॉब्लम आ रही है। सम्मेलन में अच्छे बच्चों को आना पड़ेगा और बच्चों को अपनी ये छोड़ना पड़ेगी जिद कि हम सम्मेलन जाएंगे हम तो वैसे हो जाएगा, ऐसे नहीं है। आज की परिस्थितियाँ बहुत अलग हो गई है। आज लड़के और लड़कियाँ दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों उच्च शिक्षित हैं और दोनों अच्छे पैकेज पर नौकरी कर रहे हैं। अगर दोनों को शादी करना है तो सम्मेलन में और समाज की मुख्य धारा से आगे चुनना होगा। अगर सम्मेलन में नहीं जा रहे हैं तो उनकी गिनती भी नहीं आ रही है और परिचय सम्मेलन की पुस्तिका में अगर दर्ज भी हो गए तब भी उसका कोई मतलब, उसका कोई हल नहीं निकलना है। कारण यह है कि आज लड़के के पक्ष वर या वधु के अभिभावक सम्मेलन में जाते हैं और सम्मेलन में लोग क्या आ जाते हैं कि परिचय पुस्तिका अलग रख देते हैं, वो उसकी स्टडी भी नहीं करते हैं, उससे अप्रोच भी नहीं करते हैं। इसलिए हमको अगर वास्तव में संबंध करना है, शादी ब्याह करना है, तो लड़के और लड़की दोनों को विवाह परिचय सम्मेलन जाना होगा और एक दूसरे को अपनी सहमति देना होगी, तभी जाकर विवाह की परिणति पूर्ण हो सकेगी। ब्याह शादी के मामले में मेरा जहाँ तक मानना है कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि लड़की वाले बहुत भाग रहे हैं, पर इस केस में अगर लड़की के माँ बाप ही लड़की को समझाएंगे तो वो समझ सकती है। कारण क्या है, लड़कियों को पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद उनकी अच्छी लग गई जॉब, तो माँ बाप बस जो लड़कियाँ बोलती है वही करते हैं, वो चीज़ मेरे हिसाब से गलत है। कहीं कहीं पर कुछ निर्णय पेरेंट्स को भी लेना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि पेरेंट्स को इसमें पहल करना चाहिए। परिचय सम्मेलन करवाने जा रहे हैं, जब अगर लड़के और लड़कियां हैं आएगी ही नहीं तो फिर किसका संबंध कराया जाए? या तो उनका आना कंपलसरी है, नहीं तो जो आएंगे उनका करिए। नहीं पर अब सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि बच्चों के पास में वक्त नहीं है, आप फोटो देख लो या ये बायोडेटा देख लो या हम देख लेंगे बच्चे को, ये प्रश्न आ रहा है। आजकल तो इसका इस पर कोई भी किसी को यकीन ही नहीं होता। हमारे जब तक प्रत्यक्ष नहीं देखा है यूएस में और उसकी अब तो शादी करना है बहुत जल्दी। अब वो बोला कि मेरे लिए आप चार पांच लड़कियां देख करके रखो, मैं आऊँगा जनवरी फरवरी में आऊँगा और मैं जो चार पांच को एक साथ देख करके नहीं जो भी होगा मैं फाइनल करूँगा। आप एनएल गुप्ता जी बोल रहे हैं और हमारे उज्जैन के वरिष्ठ हैं और काफ़ी अनुभवी हैं और अभी सत्यनारायण जी नाटानी जी ने से अभी चर्चा करी। अब अपन चर्चा करने जाते हैं हमारे श्री रमेश जी गुप्ता कार वालों से, इनके बेटे और बेटी दोनों विदेश में हैं, तो आपका व्यूज क्या बोलते हैं बताएं आप। देखिए अभी क्या है, मेरे बच्चे बच्ची हुआ तो संबंध हो चुका है, बेटा कनाडा में है, बेटी दुबई के अंदर है, वहाँ जॉब कर रहे हैं, पर यदि हमको अपने बच्चों का संबंध करना है किसी का भी तो बच्चे बच्ची को आना जरूरी है। अगर पेरेंट्स आ जाते हैं और बच्चे बच्ची नहीं आते तो संबंध किसका करा है? नहीं पर अब ऐसे बच्चों को कैसे तैयार करें, उनको कैसे समझाया जाए? आज ये समस्या है कि लड़कों को लड़कियाँ नहीं मिल रही, लड़कियों को लड़के नहीं मिल रहे, ये समस्या सब जगह गंभीर है, लड़के ज़्यादा है और लड़कियाँ कम है। ऐसी स्थिति के अंदर पेरेंट्स लोगों को कोशिश करना चाहिए कि अपने बच्चों को साथ में लेके आए, तभी तो संबंध होगा। खाली आपका कोई बच्चों का मार्केट तो ही नहीं जो आप देख के चले जाएंगे और फिर बाद में बच्चों को बताएंगे, तो इसलिए पेरेंट्स को साथ में बच्चों को भी आना जरूरी है। चलिए बहुत अच्छी बात कही। अब सुशील जी समरिया जी से हम बात करें। सुशील जी, अरे उज्जैन में खंडेलवाल तकनीक ग्रुप द्वारा एक शानदार परिचय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है जो कि 22 दिसंबर को होटल अविका में आयोजित किया जाएगा। अब सवाल ये है कि हम जो हाई प्रोफाइल सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं तो उसमें जो लड़के लड़कियां जो ले रहे हैं हम, वो सब जो टॉप क्वालिटी के, जैसे कि जो MBA MBBS है, MCA है और जो है हमारा लॉ ग्रेजुएट है
और जो अलग अलग क्वालिफिकेशन से संबंध रखते हैं, सीए है, एमसीए है, तो ऐसे हाई क्वालिफाइड लोगों को सम्मेलन जब कर रहे हैं तो लड़के लड़कियां बाहर हैं, तो आवश्यकता इस बात को हुई कि जो उनके पेरेंट्स हैं उनकी एक उनके जो इमीट आवश्यक उनकी मीट कर ली जाए, उनकी पेरेंट्स की मीट की जाए और हम बहुत जल्दी उस पेरेंट्स मीट को आयोजित करें। प्रमिला जी खंडेलवाल से भी बातचीत कर रहे हैं इस विषय में। हाँ आप बताएं। नहीं बेटे वाले तो जाते हैं लेकिन बेटे वाले ठीक से जवाब नहीं देते, इतना नेगलेक्ट करते हैं, मतलब सारी योग्यता उनको लड़के में चाहिए, लड़की में योग्यता हो या नहीं, पेरेंट्स भी यही चाहते हैं और बेटियां भी यही चाहते हैं। चलिए बेटे वाले तो समझौता करने को तैयार रहते हैं पर बेटी वाले बिल्कुल। अब हम मुकेश जी मेठी सी जी से बातचीत करने जा रहे हैं और आप समाज सेवा में बहुत अग्रणी रहे हैं और विभिन्न पदों पे भी रहे हैं, तो ये एक ज्वलंत समस्या इसके बारे में कि बच्चे आएंगे नहीं तो और बच्चे में भी ये कि अभी तो उम्र क्या है, अभी तो पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहेंगे, तो उस बारे में क्या विवाह को किस तरीके से सामाजिक रूप से जोड़ा जा सकता है, समय पर विवाह को आगे प्रेषित किया जा सकता है, इसके बारे में बताएं। इसमें जो विवाह आज नहीं हो रहे और परिचय सम्मेलन के अंदर जो हम लोग आयोजित करते हैं और उसके अंदर लड़के लड़की नहीं आ रहे, उसमें सबसे बड़े दोषी मेरी निगाह में पेरेंट्स से माँ बाप हैं। आज के दिन में माता पिताओं ने जरा सा भी प्रेरित ही नहीं कहा कि हमको सम्मेलन में जाना है, हमको लड़के देखना है, लड़के देखना, अगर लड़की लड़के मना करें तो आप कैसे पेरेंट्स हैं, जब आप जागरूक ही नहीं कर रहे। आपको लड़के चाहिए, हमारे पास 500 अभिभावकों के फोन आते हैं जो हमको कहते हैं कि हमको लड़का बताओ लड़की बताओ, और हम कहते हैं कि यार सम्मेलन आ जाओ तो, और बोले उसके पास टाइम नहीं, उसके पास नहीं है, तो तुमको कौन लड़की बताएगा, तुम समाज के प्रति तुम्हारी जागरूकता नहीं पहली बात, और लड़के लड़कियों का मेरा कहना लड़के लड़कियां आने में शर्माते हैं, जाने में शर्माते हैं, तो शर्म किस बात की, तुम ऑफिसों में काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तुम्हारे बॉस 50 काम बताते वो नहीं करते हैं क्या, या तो नीचे अपन कर रहे थे काम नहीं, नीचे से ऊपर तक तुम 50 काम करते हो, लड़के लड़की पसंद करने में या सम्मेलन में या समाज के कार्यक्रमों में या समाज में जागृति में जाने के लिए युवा पीढ़ी जाने के लिए बिल्कुल जागरूक ही नहीं, तो मेरी निगाह में तो इस सब के अंदर पेरेंट्स के माता पिता दोषी है जो जरा सा भी जागरूक नहीं करते, न उनको प्रेरित करते, न कोई आने के लिए कल्पना करते। जब तक अगर हमको बहू लाना है, हमको बेटी देना है, तो सबसे पहले हमको जागरूक होना पड़ेगा, हमको चिंता पालना पड़ेगी, उसके बाद अपने आप रिश्तों की लाइन लगी। पहले भी बुजुर्गों ने करते थे, हमारे रिश्ते ऐसे थे कि हमने हमारे जहाँ रिश्ता हुआ हमने हमारे को ही नहीं देखा, तो जब माँ बाप और दादा दादी जहाँ कर जाते थे वो फाइनल हो जाता। आज ऐसी समस्या क्यों हुई, उसका कारण पेरेंट्स और माता पिता जो अति लाड़ और प्यार के अंदर बच्चों को बिगाड़े गए। बहुत शीतल भाभी जी हमारे हैं, अब आप यहाँ पे आपके इस बारे में ओपिनियन क्या है, बच्चों के विवाह के बारे में, बच्चों को कैसे हम सामाजिक पटल पर लेकर क्या है? आजकल बच्चे के पढ़े लिखे ज़्यादा हो गए हैं, लड़कियाँ का पैकेज ज़्यादा है, तो उनको क्या है मनमाना लड़का चाहिए और उस उम्र में इस कारण वो उनकी उम्र बढ़ाती जा रही है। सब मनमाने लड़के सब कुछ हैं, हाँ। लड़के वाले भी यही बोलते हैं कि हमारे को लड़की, हम जाएंगे लड़की देख लेंगे, लड़के वाले भी सोचते हैं कि हम लड़की देख लेंगे, तो वो प्रॉब्लम ये है कि लड़के लड़की आएंगे नहीं तो फिर आए सम्मेलन और उसके और घर बैठे कोई आएगा नहीं, तो इसका समाधान हमको ढूंढना पड़ेगा। समाधान तो क्या है, लड़के लड़की राजी नहीं, कोई क्या कर सकता। जैसा कि आज के समय में सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या जो है वो बच्चों की शादी संबंध हो रहे हैं, उसमें ज़्यादातर परिचय सम्मेलन अगर होते हैं तो उसमें बच्चे लोग नहीं आते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चों को उसमें लाना अति आवश्यक है। जब तक बच्चे आएंगे नहीं, लड़का और लड़की आपस में एक दूसरे को मिलेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो पेरेंट्स उनका संपर्क कैसे करा पाएंगे, और जब तक स्वयं संपर्क नहीं होगा तब तक हम उस विषय पर चर्चा कैसे कर पाएंगे कि ये लड़का और लड़की आपस में जिनको पूरे जीवन साथ में रहना है, अगर वो आपस में खुद मिल के बात करके अपने विचार एक दूसरे का आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे तो संबंध सफल कैसे होगा। तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिन बच्चे बच्ची की शादी है, कम शादी करना है, कम से कम वो अवश्य उस सम्मेलन में रहे उपस्थित और अपनी च्वाइस। अच्छा अच्छा एक बात अजय जी, ये आपसे बोल रहा अजय जी तांबोलिया, हमारे बहुत वरिष्ठ समाज सेवी और बहुत अग्रणी, हर समाज के हर कार्यक्रम में मैं अग्रणी रहते हैं। मैं अजय जी आपसे ये पूछ रहा हूँ कि प्रेम विवाह आसान है पर समाज विवाह चुनौती है,
तो क्या वहाँ पे बच्चों को एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं होते, जो समाज के मंच पे तो दूरी बना लेते हैं और वहाँ पे इंटरेक्शन हो जाते हैं, इस बारे में आपकी बात है जवाब? सबसे बड़ी बात यही है कि जब बच्चे बच्ची के पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे को समय नहीं है, वो अभी काम पे है, जब काम पे वहाँ लड़की भी मिल जाएगी और काम पे लड़का भी मिल जाएगा तो उन लोगों के लिए वो संपर्क आसान हो जाता है, मगर चूंकि वो समाज का नहीं होने के कारण सफल नहीं हो पाता है। तो सभी से सबसे पहले निवेदन यही है कि समाज के मंच पर बच्चे बच्ची को अवश्य लाएं, और जब तक समाज के मंच पर नहीं आएंगे, समाज के लोग उन बच्चों को पहचानेंगे नहीं, तब तक उनका आपस में संपर्क कैसे करा पाएंगे, और उसके लिए समाज के समाज बंधु की लड़की या समाज बंधु का लड़का कैसे अपन किसी को दिला पाएंगे, तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उस मंच पर आए। पर बेटा अभी तैयार नहीं है, उसने मकान लेने पे है, मकान लेने के बाद अभी डेढ़ दो साल, बेटी अभी सीए बनी है, मैं खुद अभी साल 6 महीने जॉब करेगी, उसके बाद देखना शुरू है उसके लिए।